हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जीरोधा का जो काइट मोबाइल ऐप है उसके थ्रू शेयर को बाय करना बताऊंगा, और आपको डिलीवरी में किस तरह से बाय करना है, इंट्राडे में बाय करना है तो आपको कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और साथ ही इस ऐप के बारे में जानते हैं और कौन कौन से इसमें अच्छे से फीचर हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, मैं जीरोधा का काइट को जो है ओपन कर लेता हूँ। आपका इसमें डीमेट अकाउंट होना चाहिए, यदि नहीं है तो आप इसमें खुलवा सकते हैं, और इसमें जो है आप अपना जो आईडी है और जो आपका पासवर्ड है वो आप डालेंगे, उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। या आपने पिन से इसमें रजिस्टर किया है तो आप इसमें पिन डालेंगे और पिन से आप इसमें लॉगिन कर देंगे। यहाँ पे होम स्क्रीन पे सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे 5 बटन दिखते हैं, वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, एप्स और जो आपका आईडी है वो यहाँ पे दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पे वॉच लिस्ट में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाई हुई, एक मैंने बहुत सारे स्टॉक्स की इसमें वॉच लिस्ट बनाई। उसके बाद जो नंबर वन लीडर है अपने सेक्टर के, जैसे बैंक हो गया आपके, और यहाँ पे आपके पेंट से हो गया, आपके एफएमसीजी से हो गया, आपके यहाँ पे मेटल से हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे मैंने जो मार्केट लीडर है अपने सेक्टर के वो यहाँ पे लगाए हुए, जैसे रिलैक्सो हो गया आपका, यहाँ पे टाटा स्टील हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, तो इस तरह से एक वॉच लिस्ट बनाई हुई। दूसरा मैंने इंडाइसिस का बनाया हुआ यहाँ पे, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, आपका निफ्टी पीएसयू बैंक हो गया, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी एफएमसीजी, तो मुझे पता चल जाता है कि किस दिन जो है कौन से इंडाइसिस ऊपर हैं, कौन से नीचे हैं, कौन से सेक्टर में आज बाइंग चल रही है, कौन से सेक्टर में आज जो है सेलिंग चल रही है। तो इस तरह से यहाँ पे आप इस तरह से आपको जो है अपना वॉच लिस्ट बनाना है। यहाँ पे एएमसीज और इंश्योरेंस का मैंने अलग सा एक वॉच लिस्ट बनाया है, जिसमें ऑल एएमसीज कंपनी है और उसके साथ जो हमारे प्राइवेट और पब्लिक जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके शेयर हैं। उसके बाद ही आप यहाँ पे देखेंगे ईटीएफ है, जो एक्सटेंड ट्रेडेड फंड है जो वो भी यहाँ पे है, जैसे आप निफ्टी 50 देख सकते हैं, सीपीएससी ईटीएफ देख सकते हैं, तो बहुत तरह के जो है ईटीएफ मैंने यहाँ पे इस वॉच लिस्ट में डाले हैं। और क्योंकि मैं ईटीएफ के थ्रू भी यहाँ पे बाय और सेल करता हूँ, तो यहाँ पे ऑर्डर्स में जैसे आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑर्डर वहाँ पे आ जाता है, जो पेंडिंग हो या आपका जो लग चुका है वो आपके यहाँ पे पेंडिंग में आपका पेंडिंग आएगा, एग्जीक्यूट में जो ऑर्डर आपका जो है हिट हो चुका है, यानी कि जो प्राइस आपने डाला उस पे जो बाई हो चुकी है या सेल हो चुकी है वो आपको यहाँ दिखेगा। जीटीटी यदि ऑर्डर आपने डाला है, जैसे मैंने यहाँ पे एक जीटीटी ऑर्डर डाला है, तो ये जीटीटी यदि ट्रिगर हुआ तो यहाँ पे जीटीटी भी हो जाता है। तो जीरोधा में सबसे बड़े ऑप्शन है कि आप जो है जीटीटी ऑर्डर भी डाल सकते हैं, और जैसे ही आपका जो टारगेट और जो आपने जो ट्रिगर प्राइस है वो हिट करेगा तो वैसे ही आपका जो सौदा है वो बाई या सेल हो जाएगा। पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं, जैसे मेरे इसमें जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें कौन कौन से स्टॉक हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्टॉक हैं, सारे सेक्टर के मैंने स्टॉक हैं, ये है आपके लगभग 30 स्टॉक मैंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। ऐप्स में जो जीरोधा के ऐप्स हैं, माई ऐप, जैसे मैं यहाँ पे स्मॉल केस और कॉइन यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे 2 हैं, बाकी यहाँ पे बहुत सारे आपके जीरोधा के और भी ऐप मिलते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे उनके थ्रू जैसे म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, स्मॉल केसेस खरीद सकते हैं, और यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो दिखाता है आपका जो फंड है, कितना भी बैलेंस है, और नीचे आपकी जो सेटिंग्स है, आपकी सेटिंग कंसोल है, कंसोल में जाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो का डीपली पूरा डिटेल आ जाएगा, किस तरह से आपने बाई किया है, कितना आपने, कौन से दिन आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो सब आपको कंसोल में आ जाता है। सपोर्ट में भी आप कुछ इशू है रेज करना चाहते हैं तो वो सपोर्ट में जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनवाइट फ्रेंड फ्रेंड को भी आप रिफर कर सकते हैं, और उसके बाद यूजर यहाँ पे मैनुअल है और लॉग आउट है। तो यहाँ पे जो वर्जन है वो जो है काइट का वर्जन है 3.0.12, ये जो है ऐप मैं जो किस तरह से यूज करना है वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ऑर्डर में ही आप देखिए, जैसे कोई स्टॉक आपको बाई करना है, तो मैं आईसीआईसी बैंक का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आईसीआईसी बैंक पे आपने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बाई और सेल का 2 ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हैं, व्यू चार्ट करेंगे तो चार्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसका जो हिस्टोरिकल चार्ट है वो यहाँ पे खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे टेम्पलेट बनाए हुए हैं इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज और ये बोलिंजर बैंड लगाए हुए, तो वो यहाँ पे
डिफॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट करते ही ये आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई करना है, या आपको जीटीटी से ऑर्डर बाई करना है या सेल करना है। तो मैं यहाँ पे बाई के एक ऑप्शन बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप जो है क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ पे आप प्राइस डालेंगे। सीएनसी आपको डिलीवरी में बाई करना है तो सीएनसी, नहीं तो आप यहाँ पे एमआईएस सेलेक्ट करेंगे, या मार्केट करेंगे तो आप तो जो भी इसका करंट प्राइस होगा उसी पे जो है ये बाई कर लेगा। लिमिट से करना है आपको या स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस डालना पड़ेगा और यहाँ पे जो है आपको अपना स्टॉप लॉस कितना रखना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब क्या है लिमिट में आप क्या करेंगे, जैसे अभी इसका करंट प्राइस 536 रुपये है, आप चाहते हैं कि ये 534 पे आए, तो आप यहाँ पे 534 रुपये लगा के आप जो है इसको यहाँ से बाई कर सकते हैं रेगुलर में, ठीक है, लिमिट में। मार्केट यदि आपने सेलेक्ट किया तो ये तुरंत उसी प्राइस पे, जो भी प्राइस यहाँ पे है, जो इसका ट्रेडेड प्राइस है, वही यहाँ पे आके इसे तुरंत बाई कर देगा। तो किस तरह से दोस्तों आपको बाई करना है, तो आपको जो है सीएनसी यहाँ पे सेलेक्ट है, इसका मतलब आपको ये डिलीवरी में, आप यदि शाम को आप इसको जैसे आपने बाई किया, शाम को आप इसको सेल आउट नहीं करेंगे तो ये आपके जो है डीमेट अकाउंट में चला जाएगा। एमआईएस जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे आपने मॉर्निंग में बाई किया, यदि आप शाम को उसको सेल नहीं करते हैं तो खुद ही जो है उस प्राइस पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, चाहे आपको जितना भी फायदा या नुकसान हुआ होगा वो उस प्राइस पे, जो उसका लास्ट ट्रेड प्राइस होगा, क्लोजिंग प्राइस होगा, उस पे जो है वो आपको एग्जिट कर देगा मार्केट से। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने बाई करना है तो आपको यहाँ पे सीएनसी, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सीएनसी सेलेक्ट करना, बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे सीएनसी ही रहता है। तो दोस्तों जीरोधा में जो है बहुत सिंपल ऐप है, आप नए निवेशक हैं तो जीरोधा और स्टॉक जो भी ब्रोकरेज हैं उनसे जीरोधा 5 पैसे मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, और इसके चार्जेस भी जो है कम है। डिलीवरी में आप बाई करते हैं तो यहाँ पे कोई चार्जेस आपका डिलीवरी चार्जेस नहीं लगता है, और उसके बाद यदि आप डिलीवरी से सेल आउट भी करते हैं तो तब भी जो आपका चार्ज लगता है वो भी कम लगता है, 19 रुपये करीब यहाँ पे चार्ज लगता है एक बार यदि आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को बेचते हैं, चाहे आपने एक स्टॉक बेचा चाहे आपने 100,000 बेचे, लेकिन चार्जेस आपको डिलीवरी चार्जेस जो है वो एक बार ही लगेगा, करीब 19 या 20 रुपये है, जबकि 5 पैसा में जो है जो डिलीवरी चार्जेस है आपका 30 रुपये प्लस GST है, तो वहाँ मुझे ये जो है ज़्यादा लगा। और इसकी एनुअल मेंटेनेंस फीस भी जो जीरोधा की है वो और ब्रोकरेज हाउसेस जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनसे कम है। तो दोस्तों आपको अकाउंट खुलवाना है तो मुझे जीरोधा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास 5 पैसा भी है, जीरोधा भी है, तो मैं जीरोधा से ही यूज करता हूँ, 5 पैसा मैं अब यूज नहीं करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।